बेटे के चोरी का माल घर में छिपाकर रखने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शाहीन परवीन मोहम्मद निजाम शेख वांजरा बस्ती निवासी है। पुलिस ने आरोपी के घर से 4,55,000 के सोने चांदी के गहने और घटना के समय उपयोग में लाए गए 1,10,000 रुपए के वाहन सहित करीब 5,65,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस गिरफ्तार महिला के फरार बेटे आरिफ उर्फ बंगाली मोहम्मद निजाम शेख की तलाश कर रही है। इस मामले की छानबीन करते हुए गुप्त सूचना पर गुरुवार को तहसील पुलिस ने आरिफ के वांजरा बस्ती में मकान पर दबिश दी और उसके घर से करीब 4,55,000 रुपए के सोने चांदी के गहने जब्त किए। चोरी का माल आरिफ ने घर में छिपा रखा था। शाहीन परवीन माल को ठिकाने लगाने की फिराक में थी। पुलिस ने शाहीन परवीन को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी की खोजबीन की जा रही है। तहसील थाने की थानेदार तृप्ति सोनवर्णी के मार्गदर्शन में पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंसार नगर मोमिनपुरा निवासी सिराज अहमद अंसारी के घर में 18 मार्च को चोरी हुई थी। उन्होंने तहसील थाने में 6,16,000 रुपए का माल चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। सिराज के घर में आरोपी शाहीन परवीन के बेटे आरिफ उर्फ बंगाली को चोरी करके बाहर जाते हुए पड़ोसी ने देख लिया था। पड़ोसी ने आरिफ का पीछा किया लेकिन वह भाग गया। सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बरेचसे लोक घरातील नातेवाईकांकडे लग्न समारंभामध्ये इकडे तिकडे फिरत असतात, तर लोकांना असं आमचं आवाहन करणं आहे की कुठेही बाहेर जाताना आपल्या जे मौल्यवान चीजवस्तू असतील त्या चीजवस्तू शक्यतो बँक्स लॉकरमध्ये आपण ठेवाव्यात। कोणत्याही चीजवस्तू सोने चांदीचे दागिने महत्त्वाच्या वस्तू या घरामध्ये ठेवू नये। बँकेमध्ये लॉकरमध्ये आपल्या सेफ राहतील। बाहेर जाताना आपल्या आजूबाजूचे शेजारी नातेवाईक यांना त्याबाबतची माहिती देत राहा की जेणेकरून आपल्या घरामध्ये कोणी नाही याची कल्पना आरोपींना मिळून जाणार नाही। त्याचबरोबर इतर ज्या काही महत्त्वाच्या आपल्या गोष्टी असतील, ज्या दागिने असतील, आपले महत्त्वाचे डॉक्युमेंट असतील, हे शक्यतो घरामध्ये न ठेवता आपल्या बेस्ट लॉकरमध्ये ठेवाव्यात आणि याबाबतची माहिती आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना देणं आवश्यक वाटतं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर।